अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लाइफ में ना हर किसी को कभी ना कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल ही जाते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल देते हैं, और मेरे लिए ये रोड्स, ये माउंटेन्स, ये जर्नी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है। और हाँ, कभी जन्नत की सैर करनी हो ना तो पहाड़ों पे आओ, कुछ समय बिताओ, चार दोस्त बनाओ और खूब सारी यादें लेके जाओ। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ले चलता हूँ एक एडवेंचरस वर्चुअल जर्नी पे। ले चलता वांग, लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड अरुणाचल प्रदेश। तो आज के दिन की शुरुआत होती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसे यूनेस्को ने 1985 में डिक्लेयर करा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड ट्रस्ट मी, वेकिंग अप इन अ नेशनल पार्क इटसेल्फ इज अ एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू डे टू ऑफ माई ट्रिप टू ले चलतावांग। एंड राइट नाउ आई एम एट काजीरंगा नेशनल पार्क और यहाँ पर एक रिजॉर्ट पे रुका हूँ। एंड मॉर्निंग क्या बोलूँ, पूरे रात में ही अच्छी खासी बारिश हो रही थी। जस्ट 10 मिनट पहले अभी इट हैज़ स्टॉप्ड पोरिंग। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, और बोलते हैं कि वर्ल्ड की जो 2/3 पॉपुलेशन है राइनोज की वो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। सो यहाँ पर अराउंड 2500 राइनोज हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एटलीस्ट एक राइनो हमें आज दिख जाए, क्योंकि बारिश हुई है तो सारे जानवर जो हैं वो कहीं ना कहीं शेल्टर ले लिए होंगे। सो आई एम लुकिंग, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक आध टाइगर और राइनोज तो ज़रूर दिखें। एटलीस्ट जिस चीज़ के लिए पार्क फेमस है वो तो ज़रूर दिखे। तो अब जल्दी से चलते हैं जंगल सफारी पे, और अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं, 6:30 हो रहे हैं, तो आई थिंक 15 मिनट में सारे लोग रेडी होके आ जाएंगे और हम निकलेंगे जंगल सफारी करने। चलो भाइयों। सो फाइनली एक राइनो स्पॉट करा है हमने, जो बहुत दूर है, और उधर एक डियर और इधर एक इंसान, इधर कुछ इंसान, कुछ इंसान है, सारे डियर, दैट इज डियर। सलोनी मीट सलोनी, मयूर, हेलो हेलो भाई। वो दूर में एक जंगली बफेलो दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही इसका वो नहीं है भैया, क्या बोलते हैं, हाइट जंगली है इसलिए। ऐसा कभी हुआ है भैया कि कोई जानवर ने अटैक किया हो जीप पे? टाइगर नहीं, राइनो अटैक कर रहा है। राइनो अटैक किया
वो कभी ऐसे पाथ में घूमते हुए दिखते हैं कि अंदर ही रहते हैं राइनो? नहीं नहीं, सामने भी निकलता है। ओके, वो लोग भी यहीं पे हैं। राइनो क्या दिखा प्रतीक भाई? टाइगर, टाइगर। ए राइनो तो वो देखो वो भाई, बहुत फाइनली इतने पास से एक राइनो। कहाँ स्पॉट किया? थोड़ा थोड़ा आगे, वो जो ओ सही। किधर किधर कैप्चर किया आपने? नहीं वहाँ पर जो पहले वास्ता उठा ना, हाँ काठपड़ा, काठपड़ा मिलने से पहले जो ब्रिज था उधर। हाँ तो फाइनली वी आर बैक फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड हमने राइनोज भी स्पॉट करे, एलिफेंट स्पॉट करा और एक बैच ने टाइगर भी स्पॉट करा, वो हम नहीं कर पाए। तो ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क आना एकदम वर्थ था। बहुत बढ़िया लैंडस्केप के व्यूज़ मिले हमें और काफ़ी अच्छा अंदर भी जो एक एटमॉस्फेयर था काफ़ी बढ़िया था। तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे बोमडिला के लिए, जो कि अगेन है 240 किलोमीटर्स की राइड और हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। अभी 10 बज रहे हैं एंड आई थिंक वी विल स्टार्ट हियर फ्रॉम 11:30। तो हमें 5-6 घंटे में 240 किलोमीटर कवर करना है। रोड तो बहुत ही प्यारी है, कोई ऑफ रोडिंग नहीं है, बट फिर भी टाइम लग सकता है क्योंकि स्टॉप ले लेके जाना है। तो अभी जल्दी से जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन विल स्टार्ट आवर राइड। तो फाइनली रेडी फॉर दी राइड, बट इट इज़ ड्रिजलिंग राइट नाउ, तो रेन कोट पहन के हम मस्त ड्राइव करेंगे। राइट नाउ हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे की राइड पूरी कर ली है और काजीरंगा नेशनल पार्क से अराउंड 65 या 70 किलोमीटर हम वापस आए कल का रूट जो हमने लिया था उस पर। एंड उस रूट पे बेसिकली आज जैसे बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी और रेनी टाइप वेदर है, तो अच्छा माउंटेन के ऊपर फॉग दिख रहा था। एंड देन वी टुक अ राइट एंड वी ऑल्सो डिड ड्राइव थ्रू दी ब्रह्मपुत्रा रिवर। एक अच्छा सा हमें वो मिला फ्लाईओवर एंड उसके बहुत अच्छा स्ट्रेस था, आई थिंक 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेस था और हम वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर भी क्रॉस करके नाउ वी आर एट तेजपुर एंड वी हैव टेकन अ हॉल्ट फॉर अ टी एंड कॉफ़ी ब्रेक। तो आज तो मतलब क्रेजी सा राइड है। आज जैसे लग रहा था ना कि वेदर होता है, वेदर भी ग्रिगेट की तरह रंग बदल रहा है। सुबह जब हम उठे तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल था, निकलते निकलते ड्रिजलिंग हो गई, फिर थोड़ा बाइक चलाया तो बारिश बंद हो गई, फिर अच्छा खासा रेन मिला हमें बीच में और अभी प्रिडिक्शन ये है कि आज थंडर स्ट्रॉम भी होगा। सो वी आर लाइक वी आर ट्रैवलर्स, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, वी वोंट स्टॉप राइडिंग एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है एकदम। मतलब कहीं पे भी ऑफ रोडिंग नहीं है बट आसाम का जो ब्यूटी होता है ना, एकदम ग्रीनरी एंड द वेदर चेंज, एवरीथिंग इज़ लाइक सो गुड राइट नाउ। तो अभी जल्दी से चाय पीते हैं, हमारे टेम्पो ट्रैवलर थोड़ी सी पीछे है हमसे क्योंकि हम लोग आज ऑलमोस्ट स्पीड लिमिट जो हमने पकड़ा है वो 60-90 के बीच में है बिकॉज इट इज़ रेनिंग। कल हम 120 तक भी गए थे बट मज़ा आ रहा है, मतलब क्रेजी एकदम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अभी टेम्पो ट्रैवलर का वेट करते हैं, चाय का पानी पीते हैं और आई थिंक हमें बॉर्डर पे वेट करना है इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए हैं, टेम्पो ट्रैवलर के साथ ही जाएंगे बॉर्डर पे।
सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड भालुकपोंग और ये बेसिकली एक चेक पोस्ट है, आसाम चेक पोस्ट के इस तरफ है और अरुणाचल प्रदेश उस तरफ है। तो चेक पोस्ट के पास जाके मैं कैमरा तो नहीं ऑन कर सकता हूँ, बट देन थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं एंड इसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश में स्टेप इन करेंगे एंड वी विल हैव आवर लंच हियर ओनली, कुछ पहाड़ी खाना खाते हैं। तो अभी चलते हैं, इधर लंच करते हैं एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। एक चेक पोस्ट पार करते ही जो क्यूजीन है आपका वो भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर थुपका खाया और नूडल्स फ्राइड राइस एवरीथिंग वाज सो टेस्टी। एंड अगर आप उस चेक पोस्ट के उधर जाओगे आसाम में तो वहाँ पर ऐसे में इसकी जो थाली हमने खाई थी वो भी बहुत बढ़िया थी। सो एक ही दिन में हमने दो अलग अलग जगह डिफरेंट क्विजीन ट्राई किया। अब चलते हैं। सो अभी टाइम है पेट्रोल भरवाने का और जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है वो अराउंड 8 PM है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब हम सीधा अब चढ़ाई करने वाले हैं तो जल्दी से पेट्रोल डलवाते हैं और अभी शाम के 4 बज गए तो वी विल रीच अराउंड समवेयर क्लोज टू 8 PM। तो राइड तो रात में राइड करना इज नॉट एट ऑल सेफ ऑल्सो, तो अब सीधा चलते हैं। अभी हम लोग बोमडिला के अराउंड 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर्स पहले रुके हुए हैं एक टी कॉफ़ी ब्रेक के लिए। ओह मतलब पूरे रास्ते में बारिश, फॉग था पूरे रास्ते में विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, और इट्स ऑलमोस्ट सनसेट राइट नाउ, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, इट्स अराउंड 5:15। तो आप समझ सकते हो कि ईस्ट में बोलते हैं ना लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो वैसे ही अगर बहुत जल्दी सूरज ऊपर आता है तो सनसेट भी बहुत जल्दी होता है। सो राइट बिहाइंड मी इस एक छोटा सा मोनेस्ट्री। तो अभी जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, फील हो रहा था बाइक चलाते समय ठंड तो लगी रही है और ऊपर से बारिश भी हो रही है तो और ठंड लग रही है, पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम लोग कुछ एक घंटे में पहुँच जाएंगे अपने स्टे में बोमडिला के, जो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगा प्रॉपरली। और अभी तक आपने देखा होगा कि हम खाली राइड कर रहे हैं, हम कहीं रुक नहीं रहे, कोई पॉइंट नहीं ले रहे हैं। कल से हमारे कई सारे लोकेशंस हैं जहां पर हमें जाने हैं, वी विल बी गोइंग देयर, वी विल बी एक्सप्लोरिंग सम प्लेसेस। तो जितनी राइड थी वो बोमडिला तक ही थी और हमने कल भी 240 किलोमीटर कवर करा था, आज भी 240 कवर करा है। और अभी ना थोड़ी थोड़ी सांस चढ़ेगी, अभी ऑल्टीट्यूड भी बहुत ऊपर जाएगा। तो ऐसा करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल मैं आपसे फिर से मिलूंगा और कल से तो एकदम मस्त प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। सो आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।